ये देखो, ये है याक की खाल। ये तो खाल समेत उसको खींच रखा पूरा। टच करो इसको भाई, ओरिजिनल है यार, जितने है ना ये भी ओरिजिनल है पूरा। आज मैं आया हूँ एक गांव में जिसका नाम है मार्फा, जो कि नेपाल के मस्टैंग एरिया में सिचुएटेड है। ये गांव के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। गांव थोड़ा सा यूनिक भी है और थोड़ा सा अजीब भी है। वैसे तो ये गांव एप्पल ऑर्चर्ड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे एप्पल की ब्रांडी भी मिलती है, जो कि हर एक दुकान पे अवेलेबल है अगर आप लेना चाहते हो तो। मस्टैंग एरिया का सबसे पुराना गांव है जिसमें 1600 लोग ही रहते हैं। और एक सबसे अच्छी बात जो है और थोड़ी सी अजीब भी बात है कि यहाँ के लोग कंबल से ज्यादा यॉक की खाल को उधेड़ के उसके ऊपर बैठना और ओढ़ना पसंद करते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब है। तो इस वीडियो को पूरी देखना, पहले मैं आपको गांव के दर्शन करा देता हूँ, एक गेट से दूसरे गेट तक दिखाता हूँ गांव कैसा है। बहुत यूनिक है, पत्थरों का बना हुआ है, पहले यही देख लो आप। जैसे बना हुआ ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी गलियां, गाड़ी वाड़ी तो आएगी नहीं, बाइक पे आप घूम सकते हो। विलेज के एक डोर से दूसरे डोर तक घूम सकते हो, बाइक लेके घूम सकते हो, पैदल घूम सकते हो। मार्केट काफी अच्छी है, मार्केट आपको मैं एक्सप्लोर करवाता हूँ। फिलहाल मैं खड़ा हूँ एक मोनेस्ट्री के अंदर, और ये मार्फा जो विलेज है ये नेपाल में है, मस्टैंग में। तो अगर कभी मस्टैंग आओ घूमने नेपाल में, तो इस विलेज को जरूर एक बार विजिट करना, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी शॉप्स भी हैं। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो, स्टेज अवेलेबल है, खाने पीने के लिए अवेलेबल है। और एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, आपको एक बार मैं चलता हूँ दिखाता हूँ आपको कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। और ये हमारे राजीव भाई, इनके साथ ही मैं आया था। हम लोग एक्चुअली अपने होटल में थे, तो फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे एक बार विजिट करो, काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, अभी शाम का टाइम है। वैसे हम दोपहर को अपने रूम में पहुँच गए थे ऊपर, सारा घूम घूम के। मुक्तिनाथ टेम्पल और वो बुद्ध वगैरह और एक और रिवर कह रहा हूँ लेक घूम घूम के अपने रूम में चले गए थे हम लोग। और उसके बाद किसी ने बताया कि भी यहाँ विजिट करो, तो हम यहाँ पे घूमने के लिए आ गए। तो ये देख रहे हो, एक बना देखो कैसा हुआ, कितनी छोटी सी गलियाँ हैं और सारे जो घर है पूरे वाइट है। और ये देखो स्टॉल वगैरह, ये हैंडमेड स्टॉल थे सारे। शॉल ले लिया एक्चुअली हमने ऊपर, एक मुक्तिनाथ में एक लिया। तो जो स्टॉल से हमने मुक्तिनाथ टेम्पल पे ऊपर एक स्टॉल भी लिया था, बिल्कुल हैंडमेड है। और ये देखो पूरी वाइट बिल्डिंग है, और इसके अंदर ना सारी मिट्टी भरी हुई है। जितनी दीवार है ये पत्थर है, ईंटें नहीं है, सारे पत्थर है, इनके अंदर मिट्टी भरी हुई है और काफ़ी पुराने हैं, देख रहे हो। हम लोग बाइक पे, और नेपाल में ऐसी ऑफ रोडिंग बाइक चलती है। एक यहाँ पे बाइक है क्रॉस फायर, क्रॉस फायर है बाइक का नाम ना, ये क्रॉस फायर नहीं है, वो क्रॉस फायर बाइक है, काफ़ी अच्छी है। और इतनी ज़्यादा हाइट है ना उसकी, क्या ही बताऊँ। ये मेरे ख्याल होंडा है, कहाँ से दिख रहा है, होंडा है। इंजन पे लिखा होगा ना कहीं, हाँ इंजन पे लिखा नीचे होंडा है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ रोड बाइक्स हैं जितनी भी हैं, और क्योंकि यहाँ मस्टैंग में जितनी भी रोड्स हैं भाई, सारी ऑफ रोड है, टोटल ऑफ रोड है। जैसे आप ले में जाओगे हानले वगैरह में, या आप सोमरी से हानले जाओगे, जैसा वो रोड है ना भाई, भयानक ऑफ रोडिंग वाला वैसा रोड है। बहुत मुश्किल से हम लोग भी बाइक ड्राइव करके आए हैं। कल हम लोग जब मुक्तिनाथ आए थे तो पोखरा से ऑनलाइन दिखा रहा था 6 घंटे के, और हमें लग गए वहाँ पे 10 घंटे। इतना ज़्यादा टाइम हमें लगा क्योंकि इतना ज़्यादा ऑफ रोड था। बाकी ये आपको मैं विलेज दिखाता हूँ, ये देखो काफ़ी अच्छा है। और ये देखो, ये पता क्या, ये क्या है, किसी को पता हो तो बताओ। ये देखो, ये है याक की खाल। ये देखो खाल समेत उसको खींच रखा पूरा, देख लो ये खाल है। और ये इसके ऊपर जो उसके बाल होते हैं, वो है। यहाँ पे बैठने के लिए रखा हुआ है क्योंकि ठंड काफ़ी है। बैठ के देखना एक बार, काफी गर्म है। हाँ बैठते गर्म होगी, बैठना कहते हो रहा कि नीचे ठंडा कुछ फील ही नहीं हो रहा। हाँ मतलब ठंडा तो नहीं लग रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है यार। वैसे पूरी की पूरी खाल उधेड़ रखी है उन्होंने, थोड़ा सा
अजीब तो है। केएफसी में जाके चिकन खाते हो वो अजीब नहीं है? ये देखो ये सींग है, ये देखो यहाँ भी खाल रखी है पूरी ब्लैक वाले यॉक की, देख रहे हो पूरा हार्ड हो गया इसका खाल, जैसे हार्ड प्लास्टिक होता ना उस टाइप से हो गया। और देखो ये ओरिजिनल सींग है जितने है ना, ये भी ओरिजिनल है पूरा। आगे देखा था ना अभी हमने आते वाली ना, पूरा का पूरा याक का सिर रखा हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे अभी काट के जैसे लेके आयो। ये तो खाल वाले हैं सारी, थोड़ा कुछ खा लिया मन, भूख लग रही है। हाँ भूख तो लग ही रही है। हम लोग रूम में चले गए थे, कुछ गोलगप्पे है यहाँ पे मार्फा में, मार्फा में सही में मैंने अभी भाई मार्फा में गोलगप्पे है यहाँ है कहाँ है आओ एक बार देखो, मैंने भी एक शॉप पे भाई साहब अपने को लद्दाख लद्दाख कह रहा हूँ अपने को नेपाल मस्टैंग में गोलगप्पे मिल रहे हैं भाई, चल के देखते। अरे हाँ भाई गोलगप्पे, ये भेलपुड़ी है, चटपट चाट भाई साहब, भाई समोसे भी आपने आगे फेवरेट डिश, समोसे पूड़ी पूछना थाली क्या है इनके पास। देखो यहाँ पे ना कितने भी लोकल शॉप हो सबके ऊपर आपको ये जरूर मिल जाएगी, यहाँ पता नहीं क्या सब शॉप पे मिलती है अवेलेबल। देखो ये ब्रांड है मार्फा की, अब ये पता नहीं कितने की है क्या है सीन, पूछना एक बार इनके पास। पानी पूरी है पानी पूरी है क्या है? है खिलाओ यार फिर। क्या हुआ? वीडियो मत बनाना कह रहे हो। किसका? अपना? अच्छा नहीं बनाए फिर खिलाओ, फिर नहीं बनाएंगे, फ्री में खिलाओगे ना तभी तो वीडियो नहीं बनेगी, पैसे दे के खाऊंगा तो वीडियो बनाऊंगा। खिलाओ कैसा? हाँ लो भाई अपने गोलगप्पे आ गए, लेकिन एक चीज थोड़ी दिक्कत है, इन्होंने देखो कैसे दिए पानी, देखो भाई साहब पानी कैसे दिए पानी, देख रहे हो कितना बड़ा मग्गा है। इसको अभी मैं अरे मुंह लगा के पी सकता हूँ। ये मग्गा किस चीज का भाई पता है ना आपको? हमारे यहाँ क्या करते इससे? और हमको मैम ने ऐसे ही दिया, बताओ ग्लास नहीं था क्या कोई? ग्लास तो नहीं है। अरे यहाँ पे वो बियर वाले ग्लास दे देते हैं ना कांच वाले, उसमें डाल दो, कटोरी में डाल दो किसी। अरे कटोरी दे दो यार, भाई मग्गे से मैं नहीं खा सकता। अब इसको मैं कैसे ज़ूम करके खाऊं यार? लेकिन मैंने टेस्ट किया थोड़ा सा, भाई भी हमारे ट्राई कर रहे हैं ब्लॉगिंग की, देख लो फोन से स्टोरियां पेल पेल के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं क्या कर रहा हूँ मैं इनकी सारी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। मुझे जहाँ भी जा रहे हैं पहले से ही अपलोड कर रहे हैं, और मतलब मुझे मौका ही नहीं दिया जा रहा कि हाँ भैया अब आपकी बारी है आप अपलोड करो, लगता रेस लगानी पड़ेगी इनसे कि पहले मैं डाल दूँ फटाफट। फिलहाल फटाफट से डालते हैं और खा के देखते हैं कैसा है, थोड़ा सा डालते हैं पानी क्योंकि पानी तीखा है। भेलपुरी खराब तो नहीं हो जाएगी? होटल हमारा जोमसम में है, खराब हो जाएगी? राजीव भाई ने सारे गोलगप्पे मुका दिए कल्ले कल्ले खा गए, और अभी आ गया है भेलपुड़ी। भेलपुड़ी को यहाँ पे बोलते हैं चटपटे, तो चटपटे को चटपटे की तरह खाते हैं। खा के बाहर निकले और एकदम जगमग जगमग हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा होते लाइटें चला दिए। चलना ना आगे घूमने, आगे तो चलना, चलते हैं थोड़ा अभी, लाइट्स अच्छी लाइट्स चल गई तो और भी अच्छा लग रहा है। रंग बिरंगी से लाइटें चला दी, मस्त है पूरी स्ट्रीट में, ऐसे ही जगमग से हो गया। रात को घूमो तो और भी मजा आएगा, देख रहे सामने। एम्बियंस कितनी अच्छी हो गई यार यहाँ की। मैं जब आया था ना, जब आया था तब मैंने एक देखा था यॉक का सिर था पूरा का पूरा, वो सिर ढूंढ रहा हूँ मैं कहाँ गया। वो आपको दिखाता हूँ भाई, बिल्कुल ओरिजिनल ओरिजिनल ही था वो, तो उसके बीच के शायद हड्डी वड्डी निकाल दी होगी, तो वो दिखाता। ये रहे 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 रहे, देखो पकड़ना एक बार इसको, देखो भाई बिल्कुल ऐसे है। रेंट अवेलेबल है यार, फोन पे जी पे, देख रहो
टच करो इसको भाई, ओरिजिनल है और पूरा ओरिजिनल है, कितने दिनों से काट के रखा, सींग भी है भाई, डेंजरस, कितना डेंजरस लग रहा। पूरे ग्रीन ग्रीन कर दिया ना। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल, आप लोग सब यहीं क्यों हो गया? अच्छा काठमांडू, अच्छा वो कॉलेज ट्रिप बता रहे थे। अच्छा सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल, हम लोग इंडिया न्यू दिल्ली। सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। लाइट्स बड़ी बढ़िया यार, यहाँ देखो अंदर से दिखाऊं आपको, ऐसे शॉप्स है छोटी छोटी सी, छत जो है सारी लकड़ी की बनी हुई है, फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप थी वो। होटल इज टेम्पररी क्लोज्ड। भाई साफ सफाई कितनी है यार, देखना पूरी क्लीन है, एकदम क्लीन, बढ़िया है। बाकी मैंने नेपाल सीरीज़ के पिछले ब्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे तो देखना जरूर, सारे अपलोड कर दिए हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं सारी डिटेल उसमें बताई गई है। कल का जो ब्लॉग था मुक्तिनाथ टेंपल गए थे और वो भयंकर ऑफ रोड था, यहाँ पे भी आने के लिए भयंकर ऑफ रोड लगता है, वहाँ पर जाने के लिए और भी ऑफ रोडिंग लगता भाई। और नेटवर्क का जो इशू है, यहाँ पर आप सिम परचेस कर लो अपनी, और सिम में अनलिमिटेड आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक की फैसिलिटी मिल जाती है रिचार्ज के साथ। हमने जो रिचार्ज करवाया है वो 7 दिन वाला पैकेज कराया है, क्योंकि 7 दिन हम लोग नेपाल में स्टे करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग बैक टू इंडिया, तो ऐसा कुछ सीन रहेगा अपना। बाकी एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, घूमो फिरो मज़े करो। ये देखो यहाँ पे भी पूरा एकदम पूरी पूरी खाल निकाल के यॉक की यहाँ बिछा दी है, बहुत बढ़िया, कहते गर्म होती है इसीलिए लोगों ने बैठने के लिए बिठा रखे, क्योंकि पत्थर वाली जगह है ना, जैसे यहाँ पे बैठेंगे तो शाम को जैसे रात को ठंड हो जाती है तो आप बैठ जाते तो गरम गरम नीचे, जैसे हम लोग वहाँ दरी वगैरह बिछा लेते हैं यहाँ पे इसको बिछा लेते हैं, तो भाई बड़े लोग बड़ी बातें। और एक और दिखाता हूँ आपको, ये वाले बाल जो है ना हर जगह, ये नहीं नहीं वो शालिग्राम तो ले रही, ये क्या आइटम है? योक के, अच्छा योक की पूछ है, अच्छा तो ये, अच्छा लकड़ी पे लगा रखे सारे, चिपका गया ना, इसको कहाँ लगाते हैं, कहाँ यूज आता है ये पूजा के लिए ले जाता है, पूजा के लिए योग की पूजा करते हैं यो हिंदू का, वो क्या बोलते हैं उसको, नेपाली लोग है ना, हाँ हाँ वो उसको ये नस, अच्छा इसको, अच्छा नेसेसरी है उनके लिए पूजा में, ये पूजा में एंड मैरिज में कोई कोई कोई, अच्छा जब शादी वादी होती है तब इस, अच्छा तो भाई ये यहाँ की मानता है, योग को पूछते हैं, तो ये योग की पूछ है, इसको कहाँ टंगे यार, निकल गए, कौन सा ड्रेस है? हमारा तिब्बतन कोट है। अच्छा तिब्बतन है, ये लेडीज का है, लेडीज का, अच्छा लेडीज का है, तिब्बतन वाला वो हो गया है सेट। राजू भाई भाभी के लिए देख लो, लेना है तो भाभी इतनी पतली है, अच्छा ऐसा ड्रेस है, देखो ये ऐसा ड्रेस है। चलो फिर यू टर्न मारे, क्योंकि अपने बाइक के पीछे खड़ी है, बाइक्स पीछे खड़ी है, बाइक्स पे पहुंचना भी जरूरी है। बाकी यार ये चीज़ तो थोड़ी सी मुझे नहीं पता लगी आज, कि यहाँ पे योग को पूछते हैं, प्लस योग की जो पूंछ है या उसके बाल है वो नेसेसरी आइटम रहती है कभी शादी वादी में या पूजा में, कि आपको चाहिए ही रहता है। इसलिए मैं देखूँ हर जगह, हम लोग मुक्तिनाथ भी आज गए थे तो वहाँ पे भी ऊपर रखी हुई थी, हर शॉप पे बाहर ऐसे लटकाई हुई थी, हमें बोल रहे थे ले लो, मैं कहा यार हमारा क्या काम है इसके बालों का काम, पर उस टाइम मुझे पता नहीं था ये योग के बाल है। चलो अच्छा है जैसा भी है। बाकी भाई वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कभी आओ तो मार्फा विलेज ज़रूर आना, और जब से नेपाल में घुसे आज पहली बार हमने गोलगप्पे खाए हैं है ना, तो और बाकी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके जरूर देना, और भाई एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, कमेंट से सपोर्ट मिलती है, थोड़ा हौसला हो जाता है, बहुत बढ़िया है, और तो कुछ नहीं है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, नेपाल सीरीज़ का ऑन है अभी अभी, कल हम पोखरा जाएंगे, पूरा घूमेंगे, फिर काठमांडू का प्लान है, ऐसे आगे सीरीज़ चलती रहेगी, तो सपोर्ट करते रहो,
लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल। ये ना सिंगिंग बॉल है, ठीक है, इसकी आपको आवाज़ सुनाता हूँ। मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी है, देखना, जैसे ये टच किया आवाज़ आई, अब इसको कैसे करते हैं आंटी?